नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ठाकुर हिमाचल रोडवेज की खराब बस में धक्का लगाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। यूजर विक्रम सिंह ने लिखा, हिमाचल में चुनाव के बाद भाजपा नेताओं को यही करना है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। विक्रांत शुक्ला ने लिखा, चुनाव चल रहा है क्या। यूजर गुरप्रीत सिंह ने लिखा, अनुराग जी आगे भी कोई स्टंट पाइप लाइन में है क्या। वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा यूजर्स डबल इंजन की सरकार पर तंज कस रहे हैं। यूजर प्रवीण कुमार ने लिखा, हिमाचल में 5 साल से डबल इंजन की सरकार है और इसमें विकास इतना हुआ है कि मंत्री बस में धक्का लगा रहे हैं। राधेश्याम यादव ने लिखा कि हिमाचल की डबल इंजन सरकार को धक्का देकर किनारे लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर घुमार भी बस अड्डा प्रभारी कुलदीप ने बताया, घुमार भी तल्याण बस करीब 5:30 बजे निकली थी, लेकिन वह कुठेड़ा से कुछ दूर कोठी के निकट खराब हो गई। बस का गियर लीवर टूट गया था, जिससे बस को आगे नहीं चलाया जा सका। अब मैकेनिक सुबह जाकर उस बस को ठीक करेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।